गाइस ये भैया रहा है, इनको भी चैनल बता दिया, इनको भी जानकारी नहीं थी ना चैनल के बारे में। गाइस देखो ये बंदा पूरा का बेचारा बहुत ही तकलीफ में है। गाइस बॉडी बन गई है, बेसन की खा लेते हैं फटाफट, क्योंकि भूख लगी बहुत ही तेज। का हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से मैंने नहीं सब लोग में। गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, आप लोग तो समझ ही सकते हो गाइस। फर्स्ट है तो गाइस अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 6:20। तो गाइस आज तारीख है 13। गाइस कंटिन्यू ब्लॉग वीडियो बने रहना। गाइस उधर देखो अभी इच्छा मरा मर फैला दी है मम्मी ने, तो गाइस सब तो परेशान कर रहे थे यहाँ पर। और गाइस देखो वो दो पक्षी कौन से हैं मेरे को नहीं पता कौन से पक्षी हैं। तो गाइस जल्दी से नहा लेते फटाफट, क्योंकि पूरा भी छिलना पड़ेगा ना। नहा धोके रेडी हो चुका हूँ, अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 10:20। गाइस 11 बजने वाले, अभी 11 बजने में कितना टाइम लगेगा, एक घंटा अभी बीत जाएगा। गाइस अभी लाइट भी आ गई है, गाइस सब फैन में बैठेंगे जाके। गाइस हम देखते हैं मम्मी जी ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, खाने में खाना खा लेते हैं, भूख लगी बहुत ही तेज। गाइस क्या समझ लो, गाइस वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा चैनल गाइस यूट्यूब पे मिलेगा भी नहीं, हम 100% श्योर कह रहे हैं गाइस, ऐसा चैनल नहीं मिलेगा। गाइस इस चैनल पे बहुत ही बहुत फाड़ू फाड़ू वीडियो आएंगे, शाम को चलेंगे पूरा, अभी नहीं चलेंगे या समझ लो 3-4 बजे का जाएंगे पूरा। तो गाइस ये पकौड़ी बन गई है, बेसन की खा लेते हैं फटाफट, क्योंकि भूख लगी बहुत ही तेज। गाइस लाइट आ रही थी तो चली गई, लगता है लाइट गिरा गया, टीवी चल रही है ना, आप भूख वॉइस सुनाई दे रही होगी। तो गाइस ये बेसन की पकौड़ी बनी हुई है, तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 3:32। तो गाइस पूरा जा रहा हूँ, तो गाइस जूते वूते पहन लेते हैं, शूज देखते हैं किधर रखे हैं किधर नहीं। तो गाइस आज ये टीवी भी ख़राब हो गई, पापा देख रहे थे ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें, जूते किधर रखे। तो गाइस ये रहे सूज, तो इनको पहन लेते हैं जल्दी से, फटाक देना, लाइट भी नहीं से चल रही गाइस आज आज की डेट में, यही समझ लो। तो गाइस जूते वूते पहन लेते हैं, फिर गाइस रास्ते में ही ब्लॉग शूट करेंगे जाके, ठीक है। फिलहाल गाइस अभी पूरा मैं पहुंच चुका हूँ, गाइस आप लोग देख ही सकते हो बैकग्राउंड में, तो गाइस पूरा के अंदर खड़ा हुआ हूँ, हार गया नहीं हार है, जस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो गाइस सिलेंडर लाया था ना, सिलेंडर खत्म हो गया था, तो दीदी के यहाँ पे भरा रखा हुआ था, तो खाली वाला है दीदी के यहाँ रख दिया, भरा वाला है घरे ले जा रहा हूँ, अभी ले जाएंगे गाइस। अभी मेरा थोड़ा काम है ना उस दुकान में, आप लोगों को दिखाएंगे अगर टाइम मिलेगा तो। गाइस वहाँ काम वाम वर्क कर लेते हैं थोड़ा, फिर गाइस सिलेंडर उठा लेंगे, फिर घर पे चलेंगे। गाइस खाना बनाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है घर में, क्योंकि मम्मी है ना, तो मम्मी को दिक्कत होने लगती है खाना बनाने में चूल्हे में। तो गाइस सिलेंडर ले जाएंगे आराम से, सिलेंडर में खाना आना बनता रहेगा, ओके 1-1.5 महीने चल जाएगा गाइस। तो ये माछी गाइस मेरे फिर बैटरी कपड़े फिर और कुछ नहीं, चलो चलते हैं। तो गाइस हो सकेगा तो ब्लॉग शूट करने की कोशिश करेंगे। गाइस उधर अखंड हो रही थी ना, तो वहाँ पे आवाज़ क्लियर ही नहीं सुनाई दे रही थी। तो गाइस अभी फिलहाल पूरे ही के अंदर खड़ा हुआ हूँ, तो गाइस आप लोग समझ ही सकते हो, अगर यहाँ के लोग होंगे वीडियो देख रहे होंगे वो लोग तो समझ जाएंगे, दूर दूर लोग के तो नहीं समझ पाएंगे गाइस। तो गाइस उधर आवाज़ क्लियर ही नहीं सुनाई दे रही, तो गाइस अब उधर जा रहा है ना, उधर नदिया रोड पर, वहाँ पर गाइस एक दुकान है ये बिल्डिंग विल्डिंग वाली। तो गाइस दीदी के मकान में कुछ आगे की ग्रीन नहीं होती है, वो छज्जे में ग्रीन लगवाई जाती है। गाइस ग्रीन बनाई है कि नहीं बनाई, उसने ग्रीन बन गई होगी तो उठवा देंगे गाइस, 2-3 दिन में लगवा देंगे दीदी के मकान के छत पर, क्योंकि अरे वहाँ बच्चे अच्छे खेलते रहते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाती है, तो लगवाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो गाइस चलते हैं, आप लोग दिखाएंगे दुकान कौन सी नहीं है, ठीक है। ये बिल्डिंग वाली दुकान रही गाइस, ये पटनी वाला की दुकान है। तो गाइस ग्रीन तो कम्प्लीट नहीं, मतलब साइड तो बन चुकी है, उसके अंदर डिजाइन बनना बाकी रह गया गाइस। तो गाइस ग्रीन बन जाएगी तो लगवा देंगे 2-3 महीने। तो गाइस सब माहौल ऐसा ही है, तो गाइस रोड चलते से और क्या। दूसरी लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ गाइस, देखो ये बंदा पूरा का बेचारा बहुत ही तकलीफ में है गाइस, मेरे को तकलीफ बता रहा था। ये देखो पालेसर है इधर, तो गाइस इस पालेसर में सफाई होने लगी, ये पालेसर बहुत ही दिनों से, या समझ लो 2-4 साल से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, ये समझ लो ये पालेसर अब बहुत ही सफाई होने लगी इसके अंदर। देखो आप देख सकते हो गेट भी खुल गया गाइस, चलो इसके अंदर चल रहा हूँ। तो गाइस इसके अंदर हम वीडियो इधर एक तो तूने हम पर गोलियां चलाई, उसके ऊपर इतनी हिम्मत के मेरे ही घर में घुस के मेरे पा को बंदूक दिखाता है, मेरे पा को पा पा मैं पा औरो औरो बनाएंगे गाइस।
बेहतरीन वीडियो बनाएंगे, इतने मस्त मस्त सीन है यहाँ। सर अभी हम चलेंगे थोड़ी देर बाद घर पे। तो गाइस ये इधर देखो रास्ता, उस दिन वहाँ पे ब्लॉग बनाया था थोड़ा बहुत, और ये वाला तो पहले सर चालू हुआ है, अगर इधर से जाएंगे ना ये जीडी रोड के उधर पहुँच जाता है। तो इनको डाउट हो रहा और कुछ भी नहीं, यूट्यूब पर सर्च करना इनके सिंह ब्लॉग आ जाएगा चैनल, ठीक है, और द एक्सपेरिमेंट बॉय वाला चैनल है वो भी आ जाएगा। दो चैनल बने हुए हम, मतलब उसकी लॉन्ग वीडियो भी बनाते हैं, आप लोग देखना बहुत ही मस्त वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये हमको लोकेशन बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे वीडियो हम शूट करेंगे आगे किसी दिन, 10 बंदे बुला के। अब इनको भैया को हम चैनल वैनल बता दे रहे हैं, तो ये अपना चैनल देख लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और क्या। गाइस इधर बाइक के पास आ गए हैं, तो गाइस वो पालेसर के कर्मचारी थे, तो ऐसे एंट्री करना सही नहीं रहता ना, कोई फैक्ट्री या समझो आर्ट समझो कंपनी समझो, बहुत ही बड़ी कंपनी है धान चावल की। तो वो बोल रहे थे कि भैया ऐसे वीडियो बना रहे हैं, उनको डाउट लगने लगा। जब मैंने उनको चैनल बताया तो बहुत ही खुशी हो गई कि हाँ ठीक है, जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। मेरी वीडियोस काफ़ी पड़ी हुई थी, तो बोलने लगे ठीक है बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो और क्या। तो गाइस अब चलो चलते हैं घर पर, अभी घर पर कहाँ जाना है गाइस, अभी दीदी के यहाँ जाना है, दीदी के यहाँ से सिलेंडर उठा लेंगे क्योंकि मम्मी परेशान हो जाती हैं गाइस ये समझ लो खाना बनाने में। तो गाइस महाराज और एक जरूरी बात, महारानी का हार जिसके घर में है, इस सिलेंडर उठा लेंगे तो आराम से खाना ना बनता रहेगा और क्या। तो गाइस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और क्या। तो गाइस आप लोगों को देख ही सकते हो बैकग्राउंड में कितना वाइट कलर आ रहा है, क्योंकि ये मोबाइल भी ख़राब हो चुका है ना। तो गाइस जल्द काम चला रहे हैं, इस मोबाइल से चला रहे हैं काम, को न्यू मोबाइल लेना ही पड़ेगा। तो गाइस जल्द काम चल रहा है तो इसी से काम चला रहे हैं और क्या। गाइस वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ही टेंशन लगी हुई है गाइस, यूट्यूब पे वीडियो नहीं पढ़ पा रही है ना, जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ेंगी ना उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा गाइस। इसीलिए हम जगह बहुत ही मस्त मस्त हैं। तो गाइस अभी बंदे काम धंधे में लगे हुए हैं गाइस, एक हम ही हैं तो घर पे रुके हुए हैं। तो गाइस क्या करें, यूट्यूब भी देखना है गाइस, अब यूट्यूब पे कदम रखा हुआ है तो गाइस अब यूट्यूब में सक्सेसफुली तो बनना ही पड़ेगा ना गाइस, तो यूट्यूब पे हम ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। तो गाइस चलो चलते हैं अब दीदी के यहाँ। तो गाइस उधर फिंगर वाली दुकान रही रेडी, वहाँ से फिंगर खा लेते हैं 10 रुपये क्या होगा, तो भूख लगी है ना थोड़ी बहुत। भैया रहे इनको भी चैनल बता दिया, इनको भी जानकारी नहीं थी ना चैनल के बारे में, तो भैया जल्दी बनाओ फिंगर भूख लगी हुई है, ठीक है सब्सक्राइब करोगे इन्हें करके सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस ये भैया है बढ़िया से रेडी, पर डे ही लगाते हैं पूरा में, तो गाइस कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में, खाली नहीं रहना चाहिए ना। फिंगर विंगर गर्म हो रहे हैं और क्या। इधर खड़ा हुआ हूँ, ये पुल है गाइस आप लोग तो जानते हैं गाइस, पूरा में आने जाने में रास्ते में पड़ता रहता है पुल। तो गाइस ये सिलेंडर है ना भरा हुआ है, खाली नहीं है सिलेंडर फिलहाल, भरा हुआ है। तो खाली वाला सिलेंडर दीदी के यहाँ रख दिया गाइस, और ये भरा वाला सिलेंडर उठा लाए हैं। अब जो खाली वाले सिलेंडर रखे हुए हैं ना दो रखे हुए हैं गाइस, एक तो दीदी यूज कर रही है ना, और दो खाली पड़े हुए हैं सिलेंडर, और एक ये रखा हुआ था ये इसको मैं उठा लाया। तो जो खाली रखे हुए हैं ना उनको किसी दिन भरवा के रख देंगे, क्योंकि घर में अभी तक रोटी हो रही थी ना, तो गाइस अभी तक घर पे जो रोटी हो रही थी ना 1-1.5 महीने से, तो गाइस वो चूल्हे से रोटी हो रही थी। तो गाइस फिलहाल रोटी तो गाइस चूल्हे की अच्छी लगती है गाइस, तो गाइस गैस की रोटी हमेशा सही नहीं लगती है, गैस की रोटी में हमेशा बीमारी पड़ने लगती है गाइस। गैस की रोटी क्या करें, फिलहाल मजबूरन आदमी खाता है गाइस गैस की रोटी, तो गाइस गैस की रोटी हमेशा नुकसान करती हैं, लेकिन खाते हैं बंदे मजबूरन खाने पड़ते हैं गाइस, लेकिन चूल्हे की रोटी शुद्ध होती है हमेशा। तो गाइस आज के ब्लॉग वीडियो में इतने ही काफ़ी है, अभी टाइम ही हो चुका गाइस 5:48 यानी कि 6 बजने वाले हैं। गाइस यूट्यूब पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, दिन रात एक कर रहा हूँ गाइस यूट्यूब पे मेहनत करते करते, गाइस बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरे अलावा और जितने भी यूट्यूबर हैं उन लोगों के अलावा कोई भी ये बात नहीं समझ सकता गाइस, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ ना यूट्यूब पे, मेरे को पता है कॉन्फिडेंट की कितनी मेहनत पड़ती है यूट्यूब पे जब गाइस एक कामयाबी हासिल होती है। तो गाइस मेहनत करते ही रहेंगे गाइस, आप लोगों की बदौलत से गाइस चैनल ग्रो भी हो जाएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, आप लोगों की जो भी राय तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बहुत ही रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।